अबे वो बच्ची है और तू क्या इमरान खान है जो हर किसी को फिर रही है खेल है यार इतना टेंशन यही खेल? खेल बात नहीं समझ आती है।, मेरी है, मेरा है ये और लीजा का एक ही मसला है पेशेंस इतना चाहता हूँ दोनों एक दूसरे के साथ खेलो एक दूसरे को मोटिवेट करो लेकिन जैसे एक दूसरे को देखते हो पता नहीं क्या हो जाता तुम लोगों को

पर ये टूर्नामेंट अली जैसे तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परिंद मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चेट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परिंद मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसकी पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोटेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अली से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार पर मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदोज उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परि मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या पर। आएसा आएसा परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीत के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चेट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी कि तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अली से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परिंदा मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस की इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो मैं

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परी मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदोस् उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या पर। आएसा आएसा परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीत के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदो उसको देगा तो अलीजा जुनीद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या पर। आएसा आएसा परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीत के दिल में जगह बना लेगी और जुनीत परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज़ की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीत से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनीद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगली पाप परी अम्बर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनीदोज उसको देगा तो अलीजा जुनीद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी कि तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परी मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदो उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या पर। आएसा आएसा परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीत के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चेट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चेट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगलीजा पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदो उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारा

पर ये टूर्नामेंट अली से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परि मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनीद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी कि तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार पर मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगलीजा पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चगों की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनीद उसको देगा तो अलीजा जुनीद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अली से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परिंदा मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अम्बर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी कि तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परी मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदो उसको देगा तो अलीजा जुनीद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या पर। आएसा आएसा परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनीद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर की

क्योंकि अगलीजा पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदो उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या पर। आएसा आएसा परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर तो पर नहीं देखा। हाल परी बारे में ऐसा सोच सकता हूँ। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाएगा उसे तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि तुम सिर्फ मेरे और परी से दूर रहो और मेरे पापा भी यही चाहते हैं अगर उन्हें इस बात का पता चल गया ना तो सिर्फ हमारे नहीं बल्कि बड़ों के भी ताल्लुक खराब हो जाएंगे पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परी मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिक्ष आएगी जब परी की इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनीदोज उसको देगा तो अलीजा जुनीद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या पर। आएसा आएसा परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आिस्ता परी जुनीत के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज़ की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीत से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनीद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नज़र से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगली पाप परी अम्बर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदो उसको देगा तो अलीजा जुनीद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चेट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परी मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदो उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीत के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चेट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर तौर पर नहीं देखा। हाल परी बारे में सोच सकता हूँ। ये इस बात का पता चल गया ना तो सिर्फ हमारे नहीं बल्कि बड़ों के भी तालुक खराब हो जाएंगे पर यह टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परी ने मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारा

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परी मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली दफा परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदो उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगलीजा पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारा

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार पर मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी कि तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपोर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परि मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली दफा परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीत के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ इस पर जुनेद कहेगा की हम एक अच्छे दोस्त और दोस्त ही रहेंगे मैंने कभी उस नजर से तुम्हें नहीं देखा मैंने कभी आपको लाइफ पार्टनर

क्योंकि अगलीजा पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी कि तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अली जैसे तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परिंदा मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अम्बर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारी

पर ये टूर्नामेंट अली जैसे तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परिंदा मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चेट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परिंदा मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसकी पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त खाएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनेद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इम्पोटेंस दे रहे हो क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अली से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार परि मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेदोज उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ अलीजा को होगी अलीजा जुनीद से यही कहेगी की तुमने मुझे चीट किया है मुझे छोड़कर तुम परी को इंपॉर्टेंस दे रही हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे

पर ये टूर्नामेंट अलीजा से तो हार गई लेकिन अगला जीतेगी इस बार पर मुकाबला अच्छा किया लेकिन उसके पार्टनर कमजोर थी जिसकी वजह से वो हारी है क्योंकि अगली पाप परी अंबर को लेकर आएगी जो कि वो चको की बादशाह है जिसके बाद अलीजा की एक नहीं चलेगी और बुरी तरह से शिकस्त आएगी जब परी के इस कामयाबी की मुबारकबाद जुनेद उसको देगा तो अलीजा जुनेद से लड़ेगी या फिर तुम मेरी साइड पर हो या परी की साइड पर आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता परी जुनीद के दिल में जगह बना लेगी और जुनीद परी से मोहब्बत करने लगेगा जबकि इस चीज की